हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। आप लोगों की डिमांड पे मैं पैथन की प्रोग्रामिंग शुरू कर रहा हूँ। जो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग मुझसे समझ सीख चुके थे, उन्होंने काफी दिनों से, करीब 1 साल से ऊपर से मेरे साथ रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज पैथन की प्रोग्रामिंग शुरू करें और पैथन को देखें। तो चलिए हम बात करते हैं पैथन के ऊपर। सबसे पहले जानते हैं कि पैथन क्या है। पैथन इज ए हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये भारी वर्ग का इंग्लिश वर्ड में बोल रहा हूँ, क्या कहें सर, गूगल पे यही मिला है। तो इसे हम कह सकते हैं कि जैसे कि आप सी की प्रोग्रामिंग करते थे या फिर आप वीवीए की प्रोग्रामिंग करते थे, तो उसमें सी और वीवीए, सी के प्रोग्रामिंग में आपको हर एक चीज को टाइप करना पड़ता था, कोई ऑटो सजेशन नहीं आता था। उसके अलावा आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हुई तो आपको जो है इंटरप्रेटर और कंपाइलर का दिक्कत होता था। हर पीसी के लिए, हर मशीन के लिए अलग अलग लेवल पे अलग तरीकों से वर्क करता था। पर पैथन में ऐसा कुछ नहीं है। पैथन जो है सिंपल, पैथन सिंपल, इसमें आपको सिंपल जो है फिलोसफी एंड एम्फेसिस कोड को रीडेबल विथ यूज द सिग्निफिकेंट एनोटेशंस लैंग्वेज यूज किया जाता है। इसका जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, ये ऑब्जेक्ट को पकड़ता है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। ये पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, इसको 20 फरवरी 1991 को किया गया था, 31 साल पहले इसको बनाया गया था। अब पहली क्लास है, थोड़ी सी थ्योरिकल चीजें कर लें तो बेटर रहेगा, लेकिन मैं उतना विशेष डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि कोई पाइथन की आपकी कोई डिग्री और डिप्लोमा का एग्जाम नहीं, जहाँ पैथन के बारे में आपको बहुत सारे लिखना है, तो उनको छोड़कर हम प्रैक्टिकल चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे। अब पैथन प्रोग्रामिंग जो है लाइक ए सी है, लाइक सी एंड पास्कल एंड फोर्टन कंसेप्ट होता है, लेकिन मोर देन फंक्शन है इसके अंदर में। और किसी तरह का इस लाइक इसकी इसमें जो है फोकस किया गया है राइटिंग कोड पे, मतलब कि देर विल बी मोर फोकस ऑन द राइटिंग द कोड एंड यूजिंग द फंक्शंस। मतलब इसमें बने बनाए बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारे इसके अंदर चीजें हैं ह्यूमन बींग को अंडरस्टैंड करती है। आजकल के डेट में जो बहुत सारे आपके जो एआई है वो पैथन बेस्ड है, जैसे ओके गूगल, अलेक्सा जैसे जो है आपके वर्चुअल चलने वाले एआई हैं, और बहुत सारे आपके मशीन्स हैं जो कि पैथन प्रोग्रामिंग को एक्सेप्ट करती है और उसके अकॉर्डिंग चलता है। क्योंकि तो जब पैथन नहीं था तो क्या था कि जावा था। सी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए सी पे ज्यादा वर्क नहीं होता था, लेकिन क्योंकि तो सी जो था वो क्या था आपका, आपको क्या बोलते हैं, प्रोसीजर ऑब्जेक्ट, प्रोसीजर बेस्ड था, ये आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड हुआ था। और जावा को, जावा जब पॉपुलर हासिल कर ली तो उसी जाके सी आपका आया था। अब देखिए तीन तरह के कोड है, आप खुद समझ जाएंगे कि पैथन क्यों ज्यादा प्रोग्रामर की हैसियत से है। सबसे ऊपर वाला आप जो देख पा रहे हैं ये हमारा जावा का कोड है, ऊपर जो आप देखते हैं ये हमारा जावा का कोड है। आप देख सकते हैं कि इसमें क्लासेस डिफाइन किया गया है और इसको यूज किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जावा का कोड है। और ये जो नीचे देख रहे हैं हमने सी का एक कोड ले रखा है, ये हमारा सी का कोड है, जिसमें यहाँ देखिए हमने हेडर फाइल को लिया हुआ है, फिर हम वाइड मेन बना के फिर उस पे हम लगा के फिर नीचे और भी है प्रिंट वगैरह करने के लिए दिया गया है। अब इस देखिए ये रहा पैथन का, पैथन का प्रोग्रामिंग कितना सिंपल है कि हमने ए और बी एक साथ लिया और इसको सम कर दिया, सिंपल। कोई हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, कोई हमें प्रोग्राम फंक्शन डिप्लेयर, प्रोसीजर डिप्लेयर करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ जरूरत पड़ रही है, लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा था आपको कि पाइथन जो है बहुत ही लर्निंग पर्पस के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, जिसको आप इजिली रन कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ द
पैथन के ऊपर कि पैथन के अंदर क्या क्या फीचर है। सबसे पहले सिंपल है, क्योंकि ये जब आप इसको रीड करेंगे या प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप इंग्लिश सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा ना लगे कि आप किसी प्रोग्रामिंग का कोड पढ़ रहे हैं, जैसे इंग्लिश की तरह होगा इसमें। और ये बहुत ही माने कि क्लियरली है, लेस स्ट्रेस है, अंडरस्टैंडिंग्स है, इसके साइंटेक्स और लैंग्वेज बहुत ही अच्छे हैं, कह सकते हैं कि एकदम इजी है। बात करते हैं इजी टू लर्न, किसी को सीखना जो है ना सबसे सिंपल है। अगर कोई फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीखने जा रहा है उनके लिए भी ही आपका ये जो पैथन है बहुत ही इजी टू लर्न है। अब जिसमें क्या है कि जो सी यू कर चुका है या जावा कर चुका है उसके लिए और इजी होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत ही कम कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं। अभी सी में जावा में आपको बहुत सारे कीवर्ड्स, उसके नियम कानून वगैरह अप्लाई किए जाते हैं कि भाई इंटीजर लेना है, वाइड लेना है, फ्लोट लेना है, स्ट्रिंग उसमें नहीं जाएगा वगैरह वगैरह। तो उस केस में जो है हम इजी टू लर्न होता है हमारा। और तीसरा जो है हमारा ओपन सोर्स। तीसरा क्या है हमारा? ओपन सोर्स। ये हमारा ओपन सोर्स है, मतलब कि अगर मान लीजिए कि मुझे अगर विजुअल स्टूडियो सीखना है, सी है सीखना है, तो विजुअल स्टूडियो परचेज करना होगा क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का है। जावा के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है अगर आप इंटरप्राइज वर्जन पे जाते हैं तो। लेकिन पाइथन ओपन सोर्स है, मतलब कि इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि पेटेंट है कि भाई आप जाइए और कहीं से पैसा पे कीजिए और पे करने के बाद आपको उसका कुछ मिलेगा। नहीं नहीं कुछ नहीं, ओपन सोर्स है कि देर इज नो नीड टू पे पैथन सॉफ्टवेयर। पैथन कैन बी फ्रीली डाउनलोडेड फ्रॉम python.org वेबसाइट एंड इट्स सोर्स कोड कैन बी रीड मॉडिफाई एंड यूज द प्रोग्राम्स डिजायर द प्रोग्रामर्स। सिंपल सी बात कर रहा है। उसी चीज में हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें जो है लैंग्वेज जो है हाई लेवल है, लेटेस्ट लेवल कह सकते हैं कि इसमें आपको इसकी स्टेटमेंट है, विंड्स नेम ऑब्जेक्ट्स है, और एनी मतलब कि जो भी टाइप्स है ऑब्जेक्ट्स के, ये सारे के सारे यूज होते हैं डायनेमिक। ये हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे कि हम वेरिएबल्स नेम्स एंड डेटा टाइप्स जो है आपको मैं प्रॉपरली, अगर बात करें सी में तो सी में आपको कोई भी अगर वेरिएबल्स लेते हैं या डेटा टाइप्स लेते हैं उसको प्रॉपर देना पड़ेगा, और जो असाइन किया है वही वो एक्सेप्ट करेगा, किसी तरह का रॉन्ग चीज नहीं होगा यहाँ पे। दूसरी चीज, अगर कहीं पे एरर आती है तो जस्ट बता देगा कि फलाने जगह पे एरर है, उस एरर को सॉल्व करे वो नहीं बताएगा। लेकिन पैथन में क्या होता है कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम है, एरर है, तो आपको सजेस्ट करता है कि हाँ आप फलाना चाह काम कीजिए, आप ये कीजिए तो एरर सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपने मान लीजिए कहीं पे कॉमा लगा दिया हुआ है, डॉट लगाना था, तो बाकी जगहों पे जाएंगे तो आपको एरर देंगे। लेकिन क्या है कि इसमें अगर आपको अगर कॉमा के डॉट की जगह पर आपने कॉमा कर दिया है तो उस केस में आपको जो है पैथन बताएगा कि यहाँ पे यू हैव शुड बी रिप्लेस द डॉट कॉमा टू फ्रॉम टू डॉट। तो ये एक जो है हाई लेवल है। उसके बाद आता है डायनेमिक टाइप्स है, आप इसमें जो भी नो नीड टू डिक्लेयर एनीथिंग, आपको कुछ भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी डेटा टाइप ऑटोमेटिक ले लेता है। तो जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी और प्लेटफॉर्म पे इसकी जरूरत नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट है। साथ में पोर्टेबल है, पोर्टेबल मतलब किसी भी मशीन में आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये प्रोसीजर भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों पे काम करता है, जिस कारण से आप सी और पास्कल दोनों में एम्बेड कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद था इंटरप्टेड, इसकी जो सोर्स कोड है, आप इसके जो कंपाइल होने के बाद जो सोर्स कोड कंपाइलर से पाइथन से कंपाइलर से कंपाइल करेगा वर्चुअल मशीन पे, तो आपका जो है
ये आपका स्कूट होगा, तो इसमें ये इंटरप्टेड है आपका। उसके बाद है एक्सटेंसिबल है, ये आपको जो है इसकी कोड को सी और सी प्लस प्लस दोनों में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। एम्बेडेबल है, इसकी प्रोग्राम को आप सी और सी प्लस प्लस, जावा, डेल्फी, पीएचपी जैसे अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको डायरेक्ट एम्बेड कर सकते हैं। हग ऑफ लाइब्रेरी, बहुत सारे इसके अंदर लाइब्रेरी अवेलेबल है, आप लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं इसका। इसके बाद स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, एक तरह का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो आपको इसमें जो सपोर्ट करता है। डेटाबेस की कनेक्टिविटी अवेलेबल है, आप डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर सकते हैं, स्केलेबल है, बैटरीज इंक्लूडेड है, तो ये सारी चीज आपको पैथन के फीचर्स में मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं पैथन की फंक्शनलिटी पे। देखिए स्टेप ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ पैथन प्रोग्राम पहले जान लीजिए। आपने कोई प्रोग्राम बनाया, कोई भी बनाया, उसका नाम रखा x.py। अब py क्या है? ये आपका इस सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन है, जैसे exe होता है, जैसे आपका html होता है, .html होता है, .xml होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्ट .doc होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग का एक एक्सटेंशन होता है। तो पैथन का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है आपका .py। अच्छा पैथन जब कंपाइलर को देता है, पूरा कोड किसको देगा? पैथन अपने कंपाइलर को देगा, जो उसको कंपाइल करेगा, और कंपाइलर जो बनाएगा pyc मतलब कि सोर्स कोड, और फिर कंपाइलर वापस इसको बाइनरी कोड में, मशीन कोड में, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देन वो कंप्यूटर को देगा, और ऐसे ही आपको रिसीव करेगा। तो इस तरह से इसकी फंक्शन वर्क करती है। पहले आपका पैथन प्रोग्राम राइट करते हैं, देन पैथन प्रोग्राम कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद फिर मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, मशीन कोड में कन्वर्ट होते हैं, फिर कंप्यूटर उसको रीड करता है। ये सब इनबिल्ड होता है, आपको इस पर ऐसा नहीं कि आपको कुछ करने की जरूरत है कि आप करें, इनबिल्ड होता है। अब बात करते हैं फ्लेवर ऑफ द पैथन। अब फ्लेवर जैसे कि अगर आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो आइसक्रीम होता है ना, बनाना है, स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है, रबड़ी भी आती है, तो इसी तरह से पैथन के भी फ्लेवर है। जैसे सबसे पहला था सी पैथन। अब जो सी लैंग्वेज में मतलब कि जो स्टैंडर्ड पैथन कंपाइलर है, इम्प्लीमेंट द सी लैंग्वेज, इस सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मतलब कि दिस सॉफ्टवेयर, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द पैथन सॉफ्टवेयर विंग डाउनलोड एंड यूज बाई प्रोग्राम डायरेक्टली फ्रॉम मतलब कि ये जो है मतलब कि कन्वर्टेड इनटू द बाइट कोड यूजिंग द सी लैंग्वेज। उसके बाद आता है आपका जे पाइथन। जेथन है लेकिन उसको बड़ा पढ़ा जाता है जे पाइथन। दूसरा नंबर पे आपको नीचे दिख रहा है इसकी ए वाला, ये आपका आता है जे पाइथन। अब ये क्या होता है, इसको जे पाइथन से पहले जानते थे, अब इसको जेथन कर दिया है, पहले इसको जे पाइथन पढ़ा जाता था। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जो कि डिजाइन किया गया है जावा प्लेटफॉर्म करने के लिए। जोथन कंपाइलर जो होता है फर्स्ट कंपाइल पाइथन प्रोग्राम इनटू द जावा बाइट कोड, एंड ये जो बाइट कोड एग्जीक्यूट होता है जावा वर्चुअल मशीन पे, मतलब कि इसमें बना हुआ जो है पाइथन वर्चुअल मशीन पे नहीं, जावा वर्चुअल मशीन पे चलता है। उसी तरह से आपका एक है आयरन पाइथन है, आयरन पाइथन जो है सी शार्प के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद ये आपका आता है नेक्स्ट जो आपका वो है रूबी। रूबी ये आपको जो है ये समझिए पाईपाई भी है, रूबी रूबी नहीं है, पाईपाई। पाईपाई क्या करता है, पाईपाई जो है आपका मतलब कि पहले उसको आर आर पैथन कहा जाता था, और पाईपाई पैथन जो होता है आपका इसको देखिए प्रोग्रामिंग भाषा में बोला जाता है जीआईटी, जस्ट इन टाइम। उसके बाद रूबी है, ये आपको सिंपल से कनेक्टिविटी करता है आपको पैथन और रूबी सॉफ्टवेयर के अंदर में। ऐसे आपका स्टैकलेस है, आपका पैथन एक्स वाई है, और एनाकोंडा है। एनाकोंडा का यूज जो होता है वो होता है लार्ज स्केल डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम एनाकोंडा यूज करते हैं। तो ये सारे फ्लेवर है।
हम बात कर लेते हैं आपको वर्चुअल मशीन के बारे में। वर्चुअल मशीन जो है ना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सो वर्चुअल मशीन के बारे में एक बार जान लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं PVM, पाइथन वर्चुअल मशीन, पाइथन वर्चुअल मशीन। अभी देखिए कंप्यूटर हम लोग जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मशीन होता है, जिसे हमने कंप्यूटर ले लिया। अब प्रॉब्लम यही होती थी कि जब सी पे देखें या C++ पे देखें या जावा देखें, तो डिजाइन होता था एक मशीन पे, एक मशीन के लिए डिजाइन होता था और मशीन पे ही वर्क करता था। इस कारण से प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर किसी और मशीन पे गए, वहां पे वो सारे सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो आपका वर्क नहीं करता था। लेकिन पायथन क्या है कि वो जब इंस्टॉल होता है, कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करता है, तो ये अपना एक वर्चुअल, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर तैयार कर देता है, एक वर्चुअल मशीन तैयार कर लेता है, जिससे नॉर्मली उसको कन्वर्ट, मतलब कि कंपाइल और कन्वर्ट कर लिया जाता है सोर्स कोड को। इसलिए इसके बारे में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे आपके साथ जब हम प्रोग्रामिंग को शुरू करेंगे। अब हम कंपाइल एक बार कर लेते हैं, कि एक बार कंपेरिजन कर लेते हैं कि सी और पाइथन में क्या अंतर है। सी इज द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम है, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। सी प्रोग्राम मतलब सी प्रोग्राम स्कूट फास्ट चल की पाइथन प्रोग्राम स्लोअर चलता है कंपेयर टू सी। और पाइपाई फ्लेवर है या पाइथन प्रोग्राम, मतलब पाइपाई फ्लेवर और पाइथन प्रोग्राम जो होता है तो थोड़ा सा फास्टर है, लेकिन सी से स्लो है। तो कुछ इसके बेटर पॉइंट भी है, कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट भी है। उसी तरह से हम जावा की बात करें, तो जावा की यहाँ पे भी आप देखिए, हम जावा में हम डू व्हाइल व्हाइल एंड व्हाइल फॉर यूज करते हैं, लेकिन इसमें हम जस्ट फॉर लूप यूज करते हैं। जावा है स्विच स्टेटमेंट, पाथर में स्विच स्टेटमेंट नहीं है। तो ये कंपेयरिंग है, आप इसको स्टडी कर लेंगे ध्यान से पहुंच के वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा क्या कंपेयरिंग है जावा एंड पाइथन के अंदर। अब पॉइंट टू रिमेम्बर, एक बार हम बात कर लेते हैं कि क्या रिमेम्बर करने लायक हमारी पॉइंट्स है आज की क्लासेस में। तो कुछ पॉइंट्स हम आपको बोलते हैं रिमेम्बर बताइए। देखिएगा, पायथन वाज डेवलप्ड बाय गोडो वैन रोशम इन ईयर 1999। पायथन इज द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका इधर दीजिएगा, एंड एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी है। थर्ड में अगर बात करें, ये आपका ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग द सेम बिहेवियर है, और पायथन बाइट कोड को कन्वर्ट करता है। ये आपको स्टैंडर्ड वर्चुअल मशीन पे आप चलता है आपका। उसके सिलेबस के बारे में आप अच्छे तरीके से जान लीजिए। ये थ्योरिकल पार्ट थी, कोई इसमें कोई बड़ा तोप नहीं था। आप इसे गूगल पे भी सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमने इसको इस सिंपल और इजी भाषा में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो मुझे डायरेक्ट कॉल करके मुझसे बातचीत कर सकते। अगली वीडियोज की, अगली क्लास की वीडियोज में हम बात करेंगे किस तरह से हम पाइथन को इंस्टॉल करें, किस तरह से हम पाइथन वर्चुअल मशीन को यूज करें, आपको कंपाइलर को किस तरह से यूज करेंगे, कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, कैसे रन करेंगे, इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।